इस रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में चर्चा है। यहाँ की विधायक का तो हाथ पर हाल है। चुनाव में तो बात बड़ी बड़ी करी थी कि हम लोग हमारी बड़ी से बड़ी सुनने के बाद हम काम करवा देंगे विकास का, लेकिन आज विकास करना तो दूर रहा। किस तरह से रामगंज मंडी के है में भ्रष्टाचार व्याप्त है। नगर पालिका का जो चुनाव हुआ, पंचायत राज का जो चुनाव हुआ, नगर पालिका में 2 करोड़ का लेन देन का काम हुआ। जिस नगर पालिका में 2 करोड़ देने के बाद यदि नगर पालिका बनती है तो आप क्या अपेक्षा करते हैं कि वहाँ ईमानदारी से काम होगा। पंचायत राज में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, आप लोगों के सब के सामने है। मैं इन सब बातों को आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। ये सरकार विकास की विरोधी है, ये सरकार गरीब की विरोधी है। जो लोग होम रेट प्रशासन में सम्मान एक अलोक आदमी चालू करी थी, आज किसान गरीब आदमियों को निःशुल्क दवा मिलती थी, निःशुल्क जांच की सुविधा मिलती थी, सीपीएफ योजना का जो फायदा मिलता था, आज सरकार ने होम रेट करके समस्या के नाम पर उनको बंद कर दिया है। कोई काम नहीं हो रहा है। विकास पूरे राजस्थान में सब पड़ा है। राजस्थान की जनता ये कहने लगी है कि पहली बार राजस्थान में यह महसूस हो रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, अधिकारियों पर किसी तरह का अंकुश नहीं है। रामगंज मंडी में तो किस तरह से बोली लगा करके प्रतिस्थापन किया जा रहा है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। यहाँ पर बोली लग करके अधिकारियों का कहने वो ईमानदारी से वो काम करेंगे, ये बात नामुमकिन लगती है। ये सब बात हमें देखने की आवश्यकता है। भाई, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आज होम रेट का शासन हो रहा है, शासन की तुलना आप लोग करते हैं, आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। मैं इस मौके पर ज्यादा बात नहीं करते हुए मैं एक निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूँ कि जो भी लोग चुनाव के समय आते हैं बातें बड़ी बड़ी करती है। 2008 में मुझे भी यहाँ पर चुनाव लड़ने का सौभाग्य मिला। मैंने उस समय आप लोगों से और रामगंज मंडी क्षेत्र की जनता से कहा था कि चुनाव जब होता है आदमी को खेल भी मिलती है, पराजय भी मिलती है, लेकिन मैं विफलता से करते थे रामगंज मंडी में सेवा की भावना देकर के आया। चुनाव का परिणाम कुछ भी रहे, लेकिन मैं रामगंज मंडी के लोगों के दुख दुख में साथ रहूंगा। जितना मेरे का प्रयास होगा यहाँ का विकास करवाऊंगा।